बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। धनक चैनल की तरफ से खुश आमदीद नाज़रीन। आज हम एक आसान सी रेसिपी बनाएंगे, ब्रेड चिकन रोल। तो आप इसको चाहे तो बच्चों को लंच बॉक्स में दें और चाहे तो आप चाय के साथ खाएं। ये दोनों तरह ही बहुत मज़े की लगती है। तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए फिर हम आज की ये वीडियो स्टार्ट करें। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमने ब्रेड लिए, जितने रोल बनाने हैं उतने स्लाइसेस ले लें। उसके अलावा प्याज, आलू और चिकन, चिकन को हमने बॉयल कर लिया और जितने ये आलू और चिकन है उस हिसाब से हमने ये हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून गरम मसाला ये लिया है। इसके साथ हमने ये लिए हैं दो अंडे और इनमें ये थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक ये हम शामिल कर लेंगे। एक पैन में हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला, ऑयल गरम हो गया। अब इसमें हमने प्याज डाल के प्याज को सौते करना है। ये प्याज जो है वो सौते हो गया। अब इसमें हमने ये नमक मिर्च वगैरह शामिल कर दिया। और इसके साथ ही अब इसमें हमने ये चिकन और आलू जो कि हमने पहले से बॉईल कर लिया था वो डाल लिया। जी ये जो है वो मसाला उसका तैयार हो गया अच्छे से। अगर चाहें तो आप इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर सकते हैं, चाहे तो ना डालें, वो आपकी अपनी पसंद है। जी ये जो ब्रेड है इसके हमने ये किनारे जो हैं वो उतार लेने। जी ब्रेड के स्लाइसेस के किनारे उतार लिए हमने। इसके बाद हमने पॉलीथीन की शीट बिछानी है। ऐसे ये एक ब्रेड लेके उसको हमने पानी में डिप किया और उसमें जो पानी है एक्स्ट्रा उसको इस तरीके से हमने निचोड़ दिया बहुत हल्के हाथ से। इसको इस तरह से दबा के एक जैसा करने के बाद इसको पॉलीथीन शीट को ऊपर से फोल्ड कर दिया और इसको फिर बेलन की मदद से थोड़ा थोड़ा सा बेल लिया। ये देखेंगे बिल्कुल पतली सी हो गई इधर से। जी ये जो हमने इसका मसाला तैयार किया वो इसमें इस तरीके से इसको एक जैसा रख के इसको अगर हाथ से हम करेंगे तो वो
टूटने का खतरा होता है, तो इसलिए इसको पॉलीथीन शीट की मदद से ही हमने करना है रोल। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो बेशक इस तरह से इसको फोल्ड करके आप फ्रीज़र में रख लें 10-15 मिनट के लिए, तो अदरवाइज़ ऐसे भी इसको ज़रा अच्छे से फोल्ड करके निकाल लेंगे तो वो भी सेट हो जाता है। ये जो रोल तैयार हो गए इनको हमने इस तरीके से अंडे में डिप किया। और इस तरह से ब्रेड क्रम में इसको फोल्ड कर दिया। और ऑयल जो हमने पहले ही पकने के लिए रख दिया था उसमें इसको डाल दिया। जी ये देखें नाज़रीन, मज़ेदार से ब्रेड रोल तैयार हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी इसको ट्राई करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।